140 रुपए, 140 रुपए। लेकिन नाज़रीन आप ये देखिए, ऑलरेडी 140 है, उसके बाद ये कह रहे हैं 120 रुपए में दे रहे हैं। और मकसूद ये ऑलरेडी देखिए आप, सिर्फ ये छपाई वाली प्रिंटेड, प्रिंटेड जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में प्रिंटेड, ये देखिए, ये तो वाकई में आपको भी अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, ये 200 रुपए की 3 जोड़ी है, और उसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर ये चाइना मोजे हैं, बहुत खूबसूरत है, कलरफुल हैं, जो आजकल अमूमन आपको ऑफिस में खवातीन पहन के नजर आती हैं, क्या, और बच्चे भी सुबह होगा। ये सब की सब जो है ये इंडोनेशिया से रॉ मटेरियल आता है, और सारी पैकिंग, इसकी पैकिंग, ब्रांडिंग, जितनी भी चीज़ें होती है, इसमें नाम लगना, ये सब का सब आपका फैसलाबाद में होता है। फैसलाबाद से 150 के 6-25 का दाना पड़ता है, 30 की रिटेल चलती है। इसके आगे जाएंगे, ये आइटम लगी है 200 रुपए के 6, ये 200 रुपए के 6, ये गुड़ को ग्राइंड किया हुआ होता है, गुड़ को पिसा हुआ गुड़ समझ लो कि इसकी शक्कर होती है। ये आप चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अमूमन जो लोग इस्तेमाल करते हैं देसी शक्कर, ये सत्तू के अंदर इस्तेमाल करते हैं घर में, सत्तू में जी, और चने का सत्तू। अच्छा नाजिन, हम आए हैं एक स्टॉल पर, जो कि स्टॉल शायद 2-3 हिस्सों पर डिवाइड है। ये देखें, एक तो ये मोज़ों पर, एक ये अंगूठियों पर। अंगूठियों के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है, क्योंकि मेरे शौक वॉक नहीं है, आप मेरे हाथ देख सकते हैं, मैं अंगूठी इतनी पहनता नहीं है। ये हमें शॉप के ऑनर जो हैं शाह मोहम्मद भाई, ये बताएंगे। और ये घड़ी पर, ये 3 हिस्सों पर डिवाइड ये एक स्टॉल है। तो शाह मोहम्मद भाई, अपने बारे में बताइए और अपनी चीज़ों के बारे में बताइए जी। सबसे पहला अस्सलाम वालेकुम। ये मोज़ा है, सबसे बेहतरीन है, 100 के 3 जोड़ी चलाते हैं, 100 की 3 जोड़ी। ये बगैर ये भी 100 के 3 है, ये 50 के 100 का 2 जोड़ी है। फिर अंगूठी ये आर्टिफिशियल है, हाथ की खूबसूरती वाला 100-120 इसी रेट पे चलाते हैं। ये रियल पत्थर है सारा। अच्छा, सारा रियल पत्थर। हाँ, सारा रियल पत्थर है। ज़्यादातर से लोग होते हैं ये बोलते हैं कि पत्थर ये करेगा वो करेगा, पत्थर कुछ नहीं करते। पत्थर पहनना हो तो सिर्फ शौकिया पहनो, खूबसूरती है, बाकी इंसान जो है वो अल्लाह पे यकीन रखे, पत्थर पे यकीन रखे, पत्थर पे यकीन मत रखे। अलग की मैं काम करता हूँ, जिसका जो अकीदा है उसको कुछ काम नहीं, उसका अलग बात है। अलग की कस्टमर आते हैं मेरे को बोलते हैं यार मेरा नाम भी निकालो, ये करो, मैं खुद नहीं मानता हूँ, तो मैं किसी और के लिए क्यों नाम भी निकालू। तो सबसे पहले मैं कस्टमर को ये बोलता हूँ कि भाई ये खूबसूरती की चीज़ है, खूबसूरती के लिए पहनो, बाकी घड़ी लगाए हुए, ब्रेसलेट लगाए हुए, चेन वगैरह ये सामान लगाए हुए। ये पत्थर नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये मुझे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है कि पत्थरों की खूबसूरती होती है। लोग पहनते हैं, कुछ लोग इसको अपने अकीदा जिसने बनाया हुआ है कि बिल्कुल ये फला पत्थर मुझे मैच करता है, मेरा किसी ने कोई जायचा निकाला हुआ होता है कि आपको फला पत्थर मैच करेगा, फला दिन मैच करेगा, फला तारीख मैच करेगी, फला नंबर आपको मैच करेगा। बहुत सारे लोग अपने अपने अकीदे के हिसाब से चलते हैं, और ये है क्योंकि ये जो भाई साहब है कहते हैं कि यार मैं खुद इस पर रखता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आपको जो चीज़ चाहिए आप बताइए, मैं आपको निकाल के दूंगा, और मैं एक ग्रामीण चीज़ बेचने के बैठा हूँ। अच्छा, ये चीज़ दिखाइए जरा, इसमें आजकल स्मार्ट वॉच रखते हैं आप क्या? स्मार्ट वॉच फिलहाल कम पड़ा हुआ वगैरह ये। अच्छा बताइए, बताइए बच्चों के हिसाब से, अभी एक दो महीने बाद ईद आने वाली है, बच्चों की ये आइटम पड़ा हुआ है। अच्छा, बच्चों को गोल्डन मार्केट से जो आने का मकसद है यहाँ पर कोड़ी गार्डन का, वो मकसद ही सिर्फ ये है कि यहाँ पर असल बचत होती है यहाँ पर लोग। अच्छा, और बताइए। अच्छा, ये 100 रुपये का, ये देखिए नाज़रीन, ये आपने ली होगी यकीनन, ये 150-175 से नीचे का आइटम नहीं है। कैसे ये? अच्छा, ये अच्छा, बाकी सब इन घड़ियों की क्या क्या रेंज है ये बताइए, कहाँ से कहाँ तक की रेंज है? ये 350 रुपये की रेंज है यहाँ पर। अच्छा, 450-600, ये 450 नाजरीन, ये 550 और ये 600, नहीं 600 वाली क्वालिटी तो वाकई में 600 लग रही है। हाँ, खूबसूरत लग रही है। चले जनाब, बहुत ज़बरदस्त की चीज़ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, मैं एक बड़े मज़ेदार स्टॉल पर आया हूँ, आप खुद भी इंजॉय करेंगे इस स्टॉल को। मेरे ख्याल में आप जाते हैं मास्क लेके, अब तो कोरोना फिर भी कम है, अभी सुनने में आया है न्यूज़ के अंदर कि कोरोना के मजीद वेरिएंट आ गए हैं, लेकिन फिर पैरल लोग इतना मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं खुद भी नहीं कर रहा, लेकिन दर बात कोई चीज़ अगर ज़्यादा शक्ल में पेशेंट ज़्यादा सामने आएंगे तो लोग दोबारा उस मास्क के सूरत की तरफ जा सकेंगे कि डिस्टेंस और मास्क वगैरह दोबारा। अच्छा, ये मैं आपको दिखलाऊँ, यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त का, जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन है इनके पास मास्क की। हम तसव्वुर भाई, अपने बारे में थोड़ा बताइए जी। भाई इधर जो है ना, इसका नाम है ख्वाजा मास्क।
ख्वाजा मास्क। अच्छा, ख्वाजा मास्क के नाम से हैं ये, तस्वूर भाई के नाम है, तो तस्वूर भाई का ये स्टॉल है और उसका नाम है ख्वाजा मास्क। जा मास्क इधर हर किस्म का मास्क मिलेगा। अच्छा, पार्टी वाला मिलेगा, कढ़ाई वाला, डिजाइन वाला। अच्छा, जो नाम बोलेगा वही नाम वो मास्क इधर ही मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कुछ सोचें और वो मास्क यहाँ पर पहले से मौजूद है। अच्छा, स्पेशली क्योंकि अभी तो सीज़न आने वाला है इलेक्शन का, इलेक्शन में होगा यहाँ पर, तो सियासी जमातों की एक यलगार होगी, वो वोट के चक्कर होगा तो उनके ज़्यादा सपोर्टर होंगे, तो वो यहाँ का रुख करें, उनको तो यहाँ पर मतलब उनकी उनकी मजे। अच्छा हाँ, ये लो, ये बेहतरीन चीज़ बता दी कि मतलब अगर क्रिकेट का सीज़न आएगा तो PSL का जो वो होता है उसके भी मास्क मिलेंगे आपको प्लेयर की शक्ल के साथ। मतलब ये एक मास्क जो है, आज मास्क के साथ साथ जो है ये एक तरह का वो सपोर्टिंग वो भी बन गया है, आइडेंटिफिकेशन बन गई है कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उस हवाले से थोड़े से मास्क दिखा सकूँ कि अगर जैसे 14 अगस्त वगैरह या पाकिस्तान का 23 मार्च वगैरह आ रहा है तो ये पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं उसके मास्क हैं। अच्छा, ये देखिए सियासी जमातों के भी यहाँ पर हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की सियासी जमातें हैं, ये देखिए आपके सामने हैं, ये देखें इसके सब सियासी जमातों के भी मास्क हैं, और ये देखिए, ये देखें इनके भी मास्क हैं, इसके मास्क हैं, ये भी सियासी जमातों का मास्क है, और ये देखिए खवातीन, ये पाकिस्तान के हवाले से मास्क है, कांचन का मज़ार का मास्क है, और हर किस्म के मास्क का एक जुमा बाजार है, क्योंकि यकीनन एक ये ट्रेंड बन गया है, एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गया है, लोग सपोर्ट करते हैं जिसको मास्क उसका लगा के जाते हैं, कि लोग हाथ में झंडा ले ये करें, मुँह पर मास्क लगा लेते हैं, और मास्क से ये होता है कि वो सपोर्टिंग दूर से आइडेंटिफाई के पर चल जाती है, भाई मैं इस जमात का सपोर्टर हूँ, या मैं इस प्लेयर का सपोर्टर हूँ, या मैं इस पसंदीदे अपने खिलाड़ी का सपोर्टर हूँ। तो नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मास्क कितने कितने से रेंज से कितने तक के होते हैं, ये होल सेल रेट मिलेगा, 300 से लेकर दर्जन 600 तक दर्जन हो जाते हैं। अच्छा, ये सिंगल पीस तो मैं खैर डील नहीं करते ना? सिंगल पीस भी मिल जाते हैं। सिंगल पीस कितने का मिलता है? 40-50-80-100 तक मिल जाते हैं। अच्छा, 40-50-100, ये क्वालिटी और जिस किस्म की चीज़ें होंगी उसी हिसाब से अलग अलग रेट हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 300 रुपये दर्जन की होल सेल है। 300 रुपये दर्जन सारे मास्क की होल सेल है ना? लो ये तो भाई तस्वूर भाई बहुत क्लास चीज़ लाया मार्केट में। नाज़रीन ये देखें, ये इस वक्त ना आपको मैं खुद एक्साइटेड हो गया हूँ इस वक्त, ये देखें, मतलब अगर इस वक्त शादी है किसी खातून की और जनाब वाली मास्क लगा के जाना चाहती हैं तो ये तो ज़बरदस्त भाई, ये तो पूरा खूबसूरत है, यहाँ से मास्क लगाया, ये हार बन गया, वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत चीज़ है, खूबसूरत, ये देखें, ये देखें, ये तितली बनी हुई है, और ये जिस तरह बीड्स लगी हुई हैं, और ये देखिए शीशे वीशे के टेक्चर वगैरह हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। ये कितने का है? ये 100 रुपये का होल सेल रेट है, 150 का, और हो सकता है बड़ी बड़ी दुकानों पे 200 का ही मिलता हो, ये सही ना। अच्छा, ये 300 रुपये के उन्होंने बताया कि 300 रुपये दर्जन ना? दर्जन सबसे सस्ता वाला दर्जन 300 का मिलेगा, 300, और सबसे महंगा वाला? सबसे महंगा वाला 1200 का मिलेगा, जिस तरह ये। अच्छा देखिए, 300 रुपये का सबसे आम जो मास्क होगा वो 300 रुपये दर्जन मिलेगा, और सबसे अच्छा जिस इस क्वालिटी लेवल का मास्क जो होगा वो 1200 रुपये दर्जन मिलेगा। ये देखिए, ये इस किसी लेवल का जो मास्क होगा ना 1200 में मिलेगा। अच्छा, ये जो सियासी जमातों का जमा मास्क है ये भी 300 रुपये दर्जन है? ये 307 जमरे का दर्जन है। अच्छा, दिमाग में आप रख लीजिए, 300 से शुरू होगा और ये 1200 रुपये दर्जन तक जाएगा होल सेल के ऊपर, और पर पीस का हिसाब लगा लिए, जैसी क्वालिटी का मास्क होगा वैसी होगा। याद रखिए, मैंने आपको बताया कि मास्क की जो काम है ये भी एक सनत का वो अपना शक्ल इख्तियार कर गया है, वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, बिल्कुल सनत की शक्ल इख्तियार कर गया, और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में इनसे मास्क लेने आते हैं, और ज़्यादातर इनका काम होल सेल का है, रिटेल काम कम है, ऐसी है, ऐसी तस्वीर भाई, बिल्कुल होल सेल का काम है इनका, और ये बड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं। कोई आदमी आया उसने कहा भाई हमें 200 दर्जन चाहिए, 250 दर्जन चाहिए, ऐसी भाई? हाँ, मेरा बेल्टी जा रहे हैं क्वेटा, सकर, हैदराबाद, इधर से जा रहे हैं सब जगह। चलिए नाज़रीन, इनसे हम तस्वीर भाई से आप इजाज़त चाहेंगे, हम आगे चलते हैं आपको लेकर। सलाम अलैकुम भाई, आपका नाम? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान भाई का नाम है, और हबीबुर रहमान भाई अपने दोनों स्टॉल के बारे में डिटेल से हमें बताएंगे। हबीबुर रहमान भाई, यहाँ से चले पहले तो आप ड्राई फ्रूट के हवाले से ना जी ये बताइए। अच्छा, ये भैया ये वाले जो है ना ये इंडिया से आती है। अच्छा, और इधर फ्राई होती है, काजू है ड्राई, इसमें ये वाला काजू जो है ना ये वाला अपना वियतनाम वाला होती है, सही है, और बादाम जो है ना दोनों अमरीकन है। अच्छा, इसमें ये वाला अफगानिस्तान से आती है, और अपना जो पाकिस्तानी है वो नहीं आती है, बहुत कम आती है कभी। अच्छा, मुझे किसी ने बताया ये था आप किसी मार्केट में कि ड्राई फ्रूट के रेट जो होते हैं ना जी, ये डॉलर पर चलते हैं। जी जी, ऐसे ही डॉलर पर चलते हैं, क्योंकि तकरीबन एक दिन नीचे होते हैं, फिर पहले एक रेट वो तो होता था बरकरार 2 महीने तक, 3 महीने, अब जो है ना दिन का बाद है। मैंने हाँ, अच्छा। मैंने उस दिन लाया था तकरीबन 1500 रुपये किलो, ड्राई फ्रूट किलो का हिसाब, तो उसको तकरीबन 2 दिन बाद हो गया, वही वाला चीज़ मेरे को 1700 का मिला, 1500-1700 बढ़ गए, गिरी लाया भी मैंने। अच्छा, अमेरिकन। अच्छा, तकरीबन ये वाले जी, हम अमेरिकन है, 1600 रुपये। ये देखिए
अमेरिकन गिरी, ये अभी क्या चल रही है रेट? ये 1600 का लाया था, अब जो है ना ये 2400 की किलो, यानी कि कितना बढ़ गया? 800 रुपए प्रति किलो में बढ़ गया, 800 तकरीबन 76,000 रुपए का मन था और अभी 1,00,000 रुपए के रेट बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से ऑटो कंट्रोल। ये खजूर के बारे में, खजूर के बारे में बताइए, कहाँ की है, क्या चीज़ें, ये सब डिटेल बताइए। खजूर ये वाला हमारे पास अपना शक्कर के शेरपुर वाली, अच्छा ये पाकिस्तान में 104 किस्म खजूर होती है, 104 किस्म, 104 किस्म का खजूर होती है, अपना उगाता है, अपना 104 किस्म सिर्फ पाकिस्तान में होती है। अब बात यह है कि सारा माल जा रहा है बाहर, बाहर एक्सपोर्ट होती है ज़्यादा, मतलब हम लोग भी लाते हैं मगर हम लोग कम लाते हैं। भैया अगर जाएंगे हम लोग बलोचिस्तान, उधर हमारे इंजन एक बेटा होगा, 10 इंजन होगा बाहर का, अच्छा इस वजह से पाकिस्तान का चीज़ भी अच्छा होते है और ये होते महंगा, अच्छा हाँ कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि अब हमारी खजूर की एक बहुत बड़ी सनत बन गई है और ये एक्सपोर्ट बहुत होती है, बहुत होती है भैया। अच्छा, और ये एक्सपोर्ट होगी कहाँ कहाँ, किसके ममालिक में जाती है? ये इंडिया जाती है, मतलब आप ले लो सऊदी अरब, इधर हर मुल्क जाती है, एक्सपोर्ट होती है। नाजरीन आपने ये बात सुनी, ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है और हमारे लिए पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि हमारी खजूर जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में फरोख्त होती है, और उन्होंने बताया कि कितनी किस्म के हमारी खजूर होती है, न सिर्फ पाकिस्तान में फरोख्त होती है, ये अब इंडिया और सऊदी अरब भी एक बहुत बड़ी तादाद में जाती है। जो अमूमन लोग हाजी हजरात पहले खजूर लेके आते थे सऊदीया से और कहते थे कि भाई खजूर है, अब पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी सनद है इस खजूर की कि बाकायदा ये पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में फरोख्त हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम क्वांटिटी और बहुत कम वैरायटी में रह गई है खजूर के, बस मखसूस वैरायटी बिकती है, सारी वैरायटी यहाँ नहीं बिकती है। अच्छा, अभी आपके पास जो रखी हुई है ये कौन सी है? मेरे पास ये जो पड़ी हुई है ये खाली पाकिस्तानी है, बाकी जितने आइटम पड़े हैं सब ईरान के पड़े हुए हैं, ईरान के पड़े हुए। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी यही है कि पाकिस्तान वाला खजूर, मैंने क्या बोला पहले कि आपको नहीं आती है, बहुत कम आती है, इस दफा तो बारिश ने खराब कर दिया, मतलब 100% खराब हो गया, और ईरानी माल जो है तकरीबन 50% खराब हो गया, इस वजह से रेट भी महंगा है। ए महंगाई तो है मगर इतना महंगाई नहीं है जितना एक खजूर का रेट बढ़ गया, क्योंकि माल नहीं है, पिछले साल वालों के पास पड़े, इस वजह से रेट ज्यादा हुए। अभी 600 रुपए किलो है, ये वाला 450 की है। मुझे, मैं अगर गलती पे नहीं तो ये ज्यादा महंगा नहीं होता था पहले, ये 200-250 रुपए किलो होता था एक जमाने में। नहीं, ये इसका नाम है प्यारम खजूर, ये असल में प्यारम ये उमरे वाला आते, हज वाला आते, वही वाला ले जाती है। अच्छा। तकरीबन 100 में से अगर ईरान से हम लोग 100 पीस मंगा देगा ना, तो उसमें समझ लो 2 कार्टन ये होती है, ज्यादा नहीं होती, उधर कम होती है फसल, इस वजह से ये महंगा है। पिछले साल में ये तकरीबन 40,000 रुपए मन, अच्छा तकरीबन 40,000 रुपए दमन, अब जो है ना अभी सस्ता है, इतना नहीं है महंगा, उस टाइम से बहुत सस्ता है। और ये कैसा ये 16,000 रुपए मैंने, और 400 रुपए किलो है, फिर किलो चार रहा, ये होलसेल का रेट लग रहा है सर, है कि इस वक्त रेट फिर भी कम है, जैसे जैसे रमजान करीब आता है रेट और बढ़ता जाता है। नहीं, इस बने होगा मुश्किल है, क्योंकि अभी से रेट खाई पाई है, लोग लेते हैं, ग्राहक आते हैं पूछते हैं फिर भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं यार, पैसा नहीं है, पावर लोग थोड़ी टूटी हुई है। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक स्टॉल पे लेके आया हूँ, क्योंकि इस सीज़न के हवाले से मौसम्बी और कीनू और इस किस्म की रसदार चीज़ें जो कि ग्रेप फ्रूट वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें इन है। मैं मेरे अकब में यानी कि बिहाइंड को दिखा सके, ये हाजी वहीद खान जूस सेंटर, ये हर मौसम के जो फल के फ्रूट के जो फल के जो जूस होते हैं वो ये फरोख्त करते हैं, और इंतहाई पूरे कराची में सबसे सस्ते ही रेट होते होंगे, और बिल्कुल क्वालिटी इनकी A1 होती है, सामने निकाल रहे होते हैं, कोई इसके अंदर खुदा ना खास्ता ये चीज़ नहीं होती है कि पीछे कोई कारखाना है या स्टोर है और वहाँ पर ये निकाल रहे हैं और सामने फ्रंट पर लेके आ रहे हैं। जो चीज़ निकाल यहाँ पर अली भाई हैं, हम इनसे थोड़ा सा अपना मुलाकात करेंगे, क्योंकि मसरूफ़ बेताश है, यहाँ पर हर आदमी मसरूफ़ है, एक बंदा जो है छीलने पर बैठा हुआ है, देखिए एक बंदा पूरा छीलने पर बैठा हुआ है, ये किनू छील रहे हैं, मौसम्बी छील रहे हैं, और ये एक बंदा जूस निकाल रहा है, ये देखें एक बंदा जूस निकाल रहा है और एक बंदा धो के लोगों को सर्व कर रहा है, तो बहुत ही मसरूफ़ इनकी लाइफ होती है और बहुत मसरूफ़ इनका टाइम होता है। इनसे कोशिश करेंगे कि मेरा कैमरामैन फ्रंट पर आ सके और कैमरामैन इनसे थोड़ी बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, बताइए मसरूफ़ बेताश है आप, काम जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये माशाल्लाह ये इसमें बचत बचत हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बचत हो जाती है इंशाल्लाह। क्या नाम है हम लोग सीजन के हिसाब से जलाते हैं, सीजन के हिसाब से, या अभी मौसम भी चल रही है, उसके बाद जो ना हम स्ट्रॉबेरी चलाएंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के बाद फालसा आएगा, सब चीजें बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपेरेंट सब सामने बिल्कुल सामने होगी होती है। और क्या नाम है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन तरीके से। किन्नू वगैरह नहीं कर रहे आप?
किन्नू दोनों मिक्स किया हुआ है, किन्नू और मिसू दोनों मिक्स किया हुआ है। जो बगैर बर्फ वाला है वो है 70-80 रुपए का और बर्फ वाला 70 रुपए का, ऐसे ही अली भाई? बिल्कुल बिल्कुल भैया। अली भाई ने हमारी इतना टाइम निकाला, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अली भाई ने इतना टाइम निकाला और टाइम निकालने के बाद हमें मकसद दिया। ये देखिए ये नमक डालते हैं इसके अंदर, ये लोग पी रहे हैं, मैं एक भाई जो पी रहे हैं, इनसे मैं कोशिश करूँगा अगर ये टाइम दे सके थोड़ा बात काम करते हुए ये पीते हुए तो बताएंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अजीम अजीम भाई ये बताएं, आप माशाल्लाह पीते और पीते रहते होंगे जी जी, क्वालिटी कैसी है? बेहतरीन क्वालिटी है इनका, ये फ्रेश होता है जूस, फ्रेश होता है, फ्रेश होता है, मुतमईन है कि भाई सब कुछ सामने निकल रहा है। जी जी बिल्कुल। ये बताएं कि ये जो ये जूस है ये आप मुख्तलिफ सीजन के पीते हैं यहाँ पर आकर? जी जी सब बेहतरीन, सब बेहतरीन। लेकिन नाज़रीन ये मेरी अपनी जुबान नहीं है, ना अली भाई की जुबान है, ये अजीम भाई की जुबान है जो कि इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और पीते हैं और बाकायदा इंजॉय करते हैं जूस को। जो आप यहाँ पर आने का मकसद ही होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था बोल्टन बाजार में या फिर कोड़ी गार्डन के नियर पर आने का। ये देखिए मेरे बैक साइड पर कोड़ी गार्डन है, ये देखिए ये कोड़ी गार्डन का दरवाज़ा है। ये कोड़ी गार्डन पर आने का मकसद ही होता है, जो आपको कहलाता है स्टॉल स्ट्रीट है, जहाँ पर जो चीज़ें फरोख्त होती हैं स्टॉल स्ट्रीट जो है, ये रोड जो है, ये यहाँ पर आने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ बचत में है। आपको यहाँ से सिर्फ फलों के फ्रूट के हिसाब से ही बचत मिल रही होगी। आए नाज़रीन मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आगे भी लोगों के दुकान के मालिकों से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा, प्रोडक्ट भी दिखलाऊँगा और लोगों से भी रिव्यू लूँगा। आए नाज़रीन आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन मैंने आपको बहुत सारे लोगों से इस वक्त यहाँ पर मिलवाया, स्पेशली कोड़ी गार्डन के उस स्ट्रीट से जहाँ पर स्टॉल स्ट्रीट होती है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ के मसाला की मार्केट में। अच्छा मसाले की मार्केट में, क्योंकि हाल ही में मैं भी बड़ी कराची के बड़े बड़े नामवर सुपर स्टोरों से शॉपिंग करा करता था और सुपर स्टोर से शॉपिंग करा करता था और वहाँ से मसाले और घर की जो नॉर्मल ग्रॉसरीज होती है जिसके अंदर आप तमाम मसाले, तमाम चावल, घर के शैम्पूज़ और ये साबुन और डिश वॉशिंग वगैरह, ये जो जनरल ग्रॉसरीज़ होती है, ग्रॉसरीज में तो आजकल लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लग्जरी चीज़ों को भी शामिल कर लिया है, लेकिन जो एक ग्रॉसरीज़ होती है जो आज से 30 साल पहले लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग करा करते थे जिसमें यही सब चीज़ें आया करती थी, वो चीज़ की जब मैंने यहाँ से शॉपिंग की तो नाज़रीन आप हैरतअंगेज़ रह जाएंगे कि मैंने अपने घर से यहाँ पर आने का जो एक्सपेंस बर्दाश्त किया वो बमुश्किल 200-250 रुपये और यहाँ से मैं तकरीबन 4000 रुपये की बचत करके गया। जी हाँ 4000 की बचत। और मज़े की बात यह है कि जब आप किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर के अंदर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके भी एक ब्रांड होता है, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी अपने कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई शॉपिंग सेंटर वाला अगर आपको खुली मिर्चें दे रहा है या पिसी मिर्चें दे रहा है तो उसके पास जो ब्रांड रखा हुआ है आपको वही लेना है। उसके अलावा ब्रांड का मतलब ये कि जो चीज़ें वो जिस तरह पैक करके अपने कंपनी की, क्योंकि जितने शॉपिंग सेंटर वाले और सुपर स्टोर वाले हैं वो सब अब ज़्यादातर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं और उसके अंदर फ्रोक करते हैं, तो सिर्फ आप वही ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। यहाँ पर आपके बाद इस वक्त आपकी जो यहाँ पर जोड़िया बाज़ार होती है, तो एक खोड़ी गार्डन और जोड़िया बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ एक कदम का फर्क है। एक कदम आप कदम लेंगे तो जोड़िया बाज़ार शुरू हो जाएगा, एक कदम लेंगे तो आप खोड़ी गार्डन शुरू हो जाएगा। पहले खोड़ी गार्डन आता है, बाद में जोड़िया बाज़ार आता है। जोड़िया बाज़ार में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की दुकानें मिलती हैं, मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ पर आपके पास अल्लाह तआला ऑप्शन होते हैं और यहाँ पर आके आप हर वैरायटी की चीज़ ले लें, अच्छी से अच्छी वैरायटी, लो से लो, कम से कम, आप हाई से हाई ले लें। यहाँ पर आके आप चीज़ों की वैरायटी लेते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुले होते हैं। यहाँ पर आए आप सुबह के टाइम, यानी कि आप आ जाए अपने घर से निकले 9-9:30 बजे आपके पास टाइम हो, इतवार के दिन याद रखिएगा जोड़िया बाज़ार मैक्सिमम बंद होता है, लेकिन फिर भी दुकानें खुली हुई होती है। कि मेरा कैमरामैन जो दिखा रहा है आपको ये दुकानें इस वक्त, क्योंकि मैंने जो आज से 3 दिन पहले यहाँ से जो सामान लिया था उस वक्त यहाँ पर दुकान वाला ने बताया था कि जोड़िया बाज़ार जो है 100% बंद होता है और सिर्फ 30% खुला हुआ होता है। तो अगर यहाँ पर आए तो आप 30% भी यहाँ पर मसाले जात ले सके। मेरे कैमरामैन इस तरफ दिखाया कि ये मैंने जो मसाले जात लिए थे ये इसी दुकान से लिए थे, इत्तेफाक की बात, ये लाइन से सारी दुकानें खुली हुई हैं। और मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आएगा, आगे आने के बाद यहाँ पर ये लोकेशन दिखलाएगा कि ये देखिए ये पूरी स्ट्रीट खुली हुई है, यहाँ पर आके आप इतवार को सामान ले सकते हैं। और लेने के बाद ये देखिए ये भी एक मसाले जाते हैं और मसाले जाने के आते हैं, ये आप पूरे सामान यहाँ से ले सकते हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए ये पूरी स्ट्रीट खुली हुई है, यहाँ से आके आप सामान ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कीमत में आपको और अच्छी क्वालिटी का, और आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आप आके आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आप आके सामान लें। तो नाज़रीन हमने आपको काफ़ी सारी डिटेल से यहाँ का विज़िट कराया, विज़िट कराने का सिर्फ मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ पर आके इंसान आके 4 पैसे की बचत करे और यहाँ से क्वालिटी और प्रोडक्ट ले। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखलाया कि जैसे साबुन, डिश वॉशिंग पाउडर और जो आपके सर्फ थे, ये सब चीज़ें आपको कितने कम और कितने आसान रेट में मिली हैं आपको। सही नाज़रीन, तो मुझे आज के इस जोड़िया बाज़ार और बोल्टन मार्केट के ब्लॉग से दीजिए इजाज़त, आपको वक्ता न वक्ता जोड़िया बाज़ार लेके आऊँ और यहाँ के अफादियत और यहाँ के फ़ायदे लोगों के बताऊँ। आम दिनों में भी आऊँगा, यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी दुकानें दिखलाऊँगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक दुकान है
पापड़ वाले की, वो इस वक्त दुकान बंद है, मैं दिखाऊंगा वहाँ पर पापड़ की कितनी बड़ी वैरायटी है। मतलब इस पूरी मार्केट में सिर्फ पापड़ के सबसे बड़े होलसेलर वही हैं और पापड़ की लातादाद वैरायटी बनी पड़ी हुई है वहाँ पर आके आप पापड़ भी ले सकते हैं, बल्क क्वान्टिटी में ले सकते हैं, अपने शॉप की भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर इतना मसालों का वो होता है, यहाँ पर नाक की आदि नहीं है कि मुझे खुद भी हर वक्त थोड़ी देर के बाद खांसी आ रही है, छींक तो अभी तक नहीं आई है लेकिन हो सकता है किसी वक्त भी आ जाए। तो नाज़रीन हमें दीजिए इस वक्त इजाज़त, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई है, जो मैंने गुलियाक्ताबाद की पाए की मार्केट, जहाँ पर गोश्त की मार्केट से रिपोर्ट की थी, वहाँ के पाए की मार्केट दिखलाई थी आपको और वहाँ के डिस्काउंट बताए थे, पाए की क्वालिटी बताई थी, वो हाल ही में बहुत जबरदस्त की वायरल हुई है। आपको मेरी इसी वीडियो ऐसी वीडियो को वायरल करना है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और आपको कोशिश ये करनी है कि मेरी चीज़ों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, ताकि आप मुझे बता सकें मैं और कहाँ कहाँ जाऊँ। और कुछ दिन अपने दोस्त मसब उमर को चैनल यूट्यूब के चैनल AM व्लॉगर्स इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।